नीतीश कुमार पहले अभी आर में है सरकार आर की बनी हुई अब बीजेपी में जाने वाले ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं बात हम क्या ना हमें अपने मगर हमें हमें नीतीश कुमार का वोट नहीं देवी नहीं देव कि देव नहीं देवे हमें बीजेपी के सरकार ठीक है वैसे निके गरीब गुढ़िया के बाल बच्चा है एक नौकरी चाकरी नहीं वाला हो सब चीज़ें का खत्म कै दिल्क है इधर से उधर उधर से उधर आज इतना दिन से जाए नेतागिरी किया क्या किया है बिहार के लिए क्या किया है क्या किया कुछ नहीं किया है हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है वो बिल्कुल ही नहीं किया है तो पलट के अब बीजेपी के शरीर उसका यही है राजनीति पलटना इधर से उधर करना उधर से उधर करना ये पलटू चाचा बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है पलटू राम लालू जी पलटू राम कहते हैं हम पलटू चाचा कहते हैं ये बिल्कुल गलत कर रहा है बार बार जो है जनमत को खो रहे हैं इनका जो है ना कोई व्यक्तित्व तो अपना राजनीतिक करियर रहा नहीं है अब और भी इनका चौपट होने वाला दूसरा बात है अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो हमको तो लगता है कि जितना भी लोकसभा का सीट होगा बीजेपी के साथ गठबंधन करके जीतेंगे आप फिर बीजेपी को भी धोखा दे सकते हैं तो इन इनपे तो भरोसा बीजेपी को भी नहीं करना चाहिए बिहार में जिस तरह ठंड का पारा चढ़ा हुआ है उससे ज्यादा अभी सरगर्मी राजनीति में बढ़ी हुई है गर्मी इस प्रकार है कि कभी अलट पलट कभी किधर कभी किधर कभी बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही है तो कभी जदयू के खेमे में भारी भीड़ जुटी हुई है हम अभी राजनीतिक परिवेश से हटकर आम लोग इस पर क्या राय रखते हैं आम लोगों से बात करेंगे क्या सोचते हैं जिस प्रकार नीतीश कुमार बदलने ये पलटू चाचा बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है पलटू राम लालू जी पलटू राम कहते हैं हम पलटू चाचा कहते हैं ये बिल्कुल गलत कर रहा है आ? इनको नहीं जाना चाहिए गया है है तो इनका पत्ता साफ है। इनका साफ अब बिहार में कोई मानता नहीं क्या आपका क्या राय है देखिए नीतीश कुमार जो बार बार सत्ता परिवर्तन करते हैं कभी इस साइड कभी उस साइड ऐसा तो उनको हरगिज नहीं करना चाहिए और बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार को बहुमत से चुना गया था नीतीश कुमार की सरकार बनी आर के साथ बनी फिर बीजेपी के साथ बने बार बार जो है जनमत को खो रहे हैं इनका जो है ना कोई व्यक्तित्व तो अपना राजनीतिक करियर रहा नहीं है अब और भी इनका चौपट होने वाला दूसरा बात है अगर बीजेपी में जाते हैं तो हमको तो लगता है कि जितना भी लोकसभा का सीट होगा बीजेपी के साथ गठबंधन करके जीतेंगे या फिर बीजेपी को भी धोखा दे सकते हैं तो इन पर तो भरोसा बीजेपी को भी नहीं करना चाहिए और आरजेडी तो पहले ही गलती कर चुके हैं इन पर भरोसा करके तेजस्वी जी जो भी वादा किए थे उनको तो पूरा किए चाहे वो नीतीश जी के साथ थे कि अलग थे लेकिन अब जो है ना तेजस्वी जी को भी अपना राजनीति कद ऊंचा कर करके और नीतीश कुमार को अलग ही कर देना चाहिए और बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह कितना बार बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार का दरवाज़ा सब दिन के लिए बंद है नीतीश कुमार मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे तो राजनीति में तो सब चीज़ संभव है सब दरवाज़ा खुला ही रहता है जनता को भी सजग होने की काफ़ी ज़रूरत है जनता ही बार बार जो है ना बिहार की जनता के साथ बार बार मूर्खता वाला काम सब होता है फिर भी नहीं समझता है आगे इसका जो परिणाम होगा ना वो विधानसभा का इलेक्शन आगे है लोकसभा का इलेक्शन है इसमें आपको बहुत अच्छा सही चीज़ देखने को मिलेगा देखिए एक्चुअली तेजस्वी जी का जो प्लान था इलेक्शन में जो उन्होंने वादा किया था वो नीतीश कुमार के साथ में कहीं ना कहीं उस चीज़ को हासिल कर लिया और जो कुछ सारी उनका जो मांग था वो नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बना ही रहे थे जैसे कि देखिए शिक्षा मंत्री स्कूल का जो समय सब अवधि था उसको बढ़ाया गया इस सब चीज़ नीतीश कुमार का जो आलतू फालतू का फरमान था इसके लिए तेजस्वी जी आवाज़ उठाए और इन्होंने क्या किया चंद्रशेखर भाव एक प्रोफेसर रह चुके हैं उनको भी इन्होंने हटा दिया दूसरा बात है कि जब राजनीतिक करियर में हल्का फुल्का आप पे दबाव बढ़ रहा है अच्छा काम कीजिए रोजगार के और बढ़ाइए रोजगार को और बढ़ाइए मेडिकल कॉलेज ये वो तो उसमें जो है ना राजनीति में आदमी साइड होने लगता है नीतीश कुमार बार बार यही करते हैं तेजस्वी जी के साथ इन्होंने छल किया बिहार के जनता के साथ इन्होंने छल किया और संभवतः बीजेपी के साथ भी ये छल ही करेंगे जैसे कि आप लोग को पता होगा बीजेपी अभी दिल्ली में भी जो है ना आप पार्टी को भी तोड़ने में लगी हुई है संभवतः हर जगह इनका रहता है कहीं ना कहीं नुकसान फंसा के सरकार को गिराया जाए और अपना जो वर्चस्व है उनको बनाया जाए और नीतीश कुमार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार सोचे थे हम लोग कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे अच्छा से काम किया आरक्षण बिहार में जो चुनाव कराए आपको देखे ही जातीय जनगणना कराए सारा चीज़ करवाए इससे आरक्षण को आरक्षण के रूप में भी काम किया तेजस्वी के साथ मिल कर के लेकिन इनका जो एक कहावत था पहले सुनते थे हम लोग रामविलास पासवान के बारे में कि मौसम वैज्ञानिक है राजनीति को पहले से भांप लेते हैं तो अभी आगे में लोकसभा का इलेक्शन है कहना मुश्किल है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो इनको अच्छा सीट मिला था शायद उसी लोभ से चाहते होंगे लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेपी संभल के इनके साथ आए क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है फिर अगर बीजेपी चाहती है कि हमारा प्रधानमंत्री बना रहे तो उस समय भी धोखा दे सकता है इन इनपे विश्वास करना आप ना आर को न बीजेपी को कोई भी पार्टी इस पर विश्वास नहीं कर सकती है क्योंकि पहले ही उपेंद्र कुशवाहा बोल चुके हैं मांझी जी, जी पहले ही नीतीश कुमार के बारे में बोल चुके हैं मांझी के बारे में क्या कहना है मांझी का भी अभी पलड़ा सबसे भारी है कहीं उनको मुख्यमंत्री का ऑफर मिल रहा है कि आप आइए मेरे पाले में मुख्यमंत्री बन जाइए कहीं ऑफर मिल रहा है कि आपके बेटों को उप मुख्यमंत्री बना देंगे आप मेरे पाले में आ जाइए तो अभी सबसे ज़्यादा जो दल बदलू है वो कहीं मांझी न साबित हो जाए मांझी पे बिहार की जनता विश्वास कर सकती है नीतीश कुमार पे तो करना संभव नहीं है अब माझी उस टाइप के नेता है कि किसी एक पार्टी में चाहे सही हो गलत हो कम से कम पैर तो टिका रहता है लेकिन नीतीश कुमार का तो कोई नहीं है आप अच्छा से जानते होंगे कितना बार अल्टी और कितना बार पलटी कर चुके इसका कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार के जो माननीय विधायक सब है उनको भी भरोसा नहीं है कि आज मीटिंग होगा कि नहीं होगा बक्सर जाएंगे कि नहीं जाएंगे सारा कमान कुर्सी कुमार इनको कहा जाता है देखिए देखे भी होंगे जदयू का फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष छीन करके बन गए बहुत सारी बातें नीतीश कुमार के बारे में अब तो अभी सबसे ज्यादा सर्च उन्हीं का हो रहा है और सर्च में यही पता चल रहा है कि ये पलटू चाचा ही कहलाते हैं देखिए पलटू चाचा नीतीश कुमार को कहे जाते हैं क्या हो कुछ बदलने वाला कुछ पता है है? हमको तो पता नहीं है पलट रहे है खिलाड़ी वही रहेंगे रहे। बस खेल मैदान वही काम है इधर से उधर उधर से उधर से आज इतना दिन से जाए नेतागिरी किया क्या किया है बिहार के लिए क्या किया है? क्या किया कुछ नहीं किया है हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है वो बिल्कुल ही नहीं किया है तो पलट के अब बीजेपी के साथ उसका यही है राजनीति पलटना इधर से उधर करना उधर से उधर करना काहे करते हैं काहे करते है उसका जब हम लोग उसको चुन के बढ़िया से माने थे कि नहीं हमारे देश के अंदर ऐसे कुछ न कुछ करेगा लेकिन वो तो कर नहीं रहा है क्या क्या उम्मीद था नीतीश कुमार से बहुत उम्मीद था लेकिन वो सारी उम्मीद को हटा दिया वो आप क्या बोलेंगे मोटवारा मोटी मोटी बोल दिए बहुत उम्मीद किए थे लेकिन आप नहीं है हमारे आप क्या काम करते हैं हम राजमिस्त्री का काम करते हैं राजमिस्त्री दीवाल जोड़ते हैं दवाल जोड़ते हैं सारे लोग है क्या हो नीतीश कुमार फिर पलटने वाला है क्या कहना है कना कना कहो बात पलटी मारते लोग फिर जिताते तब तो की करबे अरे जिता देते नीतीश कुमार का नीतीश कुमार जीते हुए है मुख्यमंत्री और लोग नीतीश कुमार पहले अभी आरजेडी में है सरकार आरजेडी की बनी हुई अब बीजेपी में जाने वाले ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं आबू हम केना कहब हमें अपने तो निरकरण मगर हमें तो हमें नीतीश कुमार के वोट नहीं देव नहीं देव किए नहीं दे नहीं देवे हमें बीजेपी के सरकार ठीक है वैसे निक हाँ। जते गरीब गुड़िया के बाल बच्चा है एकोगे नौकरी चाकरी नहीं है वाला सब सीजे के खत्म की करते नीतीश कुमार बीजेपी के टिकट साथ में तब तो जीतबे तो करते तो फिर जीत जते नीतीश कुमार फिर जीत वोट देते बीजेपी के साथ में